नमस्कार दोस्तों, आज हम सीईटी का टेस्ट पारी का पेपर है वो सॉल्यूशन करेंगे। तो राजस्थान जी की ट्रिक्स बाय सुरेश सर में आपका स्वागत है। और आज हम राजस्थान जी के हिंदी और मैथ के प्रश्न है वो देखेंगे। आइए पहला प्रश्न है वो देखते हैं। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? कौन सा समूह ऐसा है जिसमें सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? और तो इसका सही उत्तर है डी, कृतज्ञ कृतघ्न। अगला है, मालपुरा करौली मैदान भाग है तो मालपुरा करौली मैदान भाग है वो बनास बेसिन का है, बी इसका सही उत्तर है। अगला है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस, वी एक्सेप्ट गुड न्यूज, तो इसका सही जवाब है वो है गुड न्यूज इज एक्सेप्टेड, सी इसका सही उत्तर है। अगला है, इन पावर पॉइंट में दो तरह के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती है, तो इसमें है वेव एंड मिड फाइलें, सी इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है वो सी होगा। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए, तो इसका सही जवाब है अंतर्धान, ए इसका सही ऑप्शन है। अगला है, यदि एक खंभे द्वारा चली गई परछाई की लंबाई खंभे की लंबाई का 3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण है, तो छठे का सही जवाब है 30 डिग्री। अगला है, एक थैले में 5:6:7 के अनुपात में ₹5, ₹2 एवं ₹1 के सिक्के रखे हुए हैं, यदि कुल राशि ₹220 हो तो थैले में ₹2 के सिक्कों की संख्या है, तो इसका सही जवाब है 7वें का 30 सिक्के, सी इसका सही जवाब है। अगला है, इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इसका सही जवाब है वो है लेजर, बी इसका सही उत्तर है। अगला है, गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 एवं 1912 में था, तो गोविंदगिरी का केंद्र है वो गतिविधियों का कौन सा था, बेडसा, ए। अगला है, फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फॉन्ट साइज टूल बार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम साइज है 8 और 72, 10th में बी। अगला है, पेनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है, तो है 11 में ए गोदावरी। जोधपुर के जसवंत थेड़ा का निर्माण है वो किसने करवाया था, तो जोधपुर के जसवंत थेड़ा का निर्माण है वो महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था, इसका सही जवाब है सी। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही नहीं है, तो डोनर है वो सार्वग्राही है, तो है ओ प्लस, 13 में बी, अच्छा सॉरी ग्राही है तो ए बी प्लस बी इसका सही जवाब होगा। अगला है, एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है तो वह राशि कितने वर्षों में तिगनी हो जाएगी, तो 3 गुना है वो कितने वर्षों में हो जाएगी, 24 वर्षों में, डी। अगला है, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, तो हाड़ोती, 15 में ए हाड़ोती। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हेमांग जायसवाल के खिलाड़ी हैं, तो हेमांग जायसवाल है वो किसके खिलाड़ी हैं वो बताना है, तो वो है जूडो के, डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान फेस्ट छोड़ा था, तो किस वर्ष है वो भारत ने चंद्रयान फेस्ट छोड़ा था, 2008 में। अगला है, एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त के आकार का है, इस तार से एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या है, तो 18 में है वो है ए 154 सेंटीमीटर। 19 नंबर प्रश्न है वो है, किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है, तो विल्लो, डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एयर मार्शल शेख अब्दुल्ला हनान फ्लाइट कैडेट्स की ग्रेजुएशन परेड में मुख्य अतिथि थे वे हैं, तो इसका सही जवाब है वो है बांग्लादेश से, डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था, तो कौन से क्रम के राष्ट्रीय खेल हैं वो अहमदाबाद में आयोजन किए गए थे, तो वो थे 36वें, ए। अगला, राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है, राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, तो 11,283 है, राजस्थान में कुल ग्राम पंचायतें हैं, राइट आंसर होगा ए। 23 नंबर प्रश्न है, मैं आप चला जाऊंगा
इस वाक्य में सर्वनाम है, तो इस वाक्य में है निजवाचक सर्वनाम ए। आगे है, सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या की तुलना में होती है, तो कम होती है, क्या होती है, कम होती है, ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गो थ्रू द फॉलोइंग पोइम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट द मेन आइडिया ऑफ द पोइम इज। तो इसका मेन आइडिया है वो क्या है, इनोसेंट आर हेल्पलेस दे सफर एंड गिव अप देयर लाइफ, तो इसका सही जवाब है वो ए। अगला प्रश्न है, सी सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे, तो इसका ट्रांसलेशन करना है तो वो बताना है, तो इसका सही जवाब होगा उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए, तो इसका सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, यदि क्लॉक को 34,235 और टाइम को 86 से कुटित किया जाए तो मोलक के लिए कोड क्या होगा, तो इसका सही जवाब है वो होगा डी 72,495। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया है, तो इसका सही जवाब है वो है मंगोलिया में, कहाँ पे किया गया है, मंगोलिया में, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है, तो इसका है वो कौन सा है, तो वो है छबड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र, सॉरी कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, तो इसका सही जवाब है वो है कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया था, तो इसका सही जवाब है वो है नागभट्ट प्रथम सी। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया था, तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है वो 1977 में चालू किया गया था, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था, तो इसका सही जवाब है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, डी इसका सही उत्तर है। अगला है, विषम सुनिए, एमएस एक्सेल सी प्लस प्लस ओरेकल एम वाई एसक्यूएल, तो इसका सही जवाब है वो क्या होगा 33 में बी सी प्लस प्लस। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की पहली महिला निदेशक कौन है, तो 34 का कौन होगा, 34 का सही उत्तर है पूनम गुप्ता, सी इसका सही जवाब होगा। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से क्रम के राज्यपाल हैं, तो वो है 44वें क्रम के, तो इसका सही जवाब है बी। अगला है, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, तो जसनाती सिद्ध संप्रदाय, डी इसका सही जवाब होगा। विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द का क्या होगा, तो इसका सही जवाब है वो होगा डिस्क्रेपेंसी, सी इसका सही उत्तर होगा। किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो वो है अवतल दर्पण द्वारा, डी। Someone who walks in sleep, तो इसका सही जवाब है वो है बी, सॉरी डी इसका सही जवाब होगा। चूज द वर्ड विच आर नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड्स ओपीक्यू, तो इसका सही जवाब है वो ट्रांसपेरेंट, बी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, भेदभाव से सुरक्षा अनुच्छेद 15, संघ के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19, तो इसका सही जवाब है वो है अनुच्छेद 20 ए। अगला प्रश्न है वो है, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह है, तो इसकी समानता की वजह है उष्णतम विद्युत धनात्मक प्रकृति, डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की दवाएं अपच के निदान में काम आती है, प्रति अम्ल एंटासिड ए। एक वर्ग की लंबाई में 1% की गलती है, तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में गलती की लगभग संभावना
लगभग प्रतिशतता क्या होगी? तो लगभग वह वो गलती की प्रतिशतता कितनी होगी वो बताना है, तो 2% कितनी होगी? 2%, ये इसका सही जवाब होगा। अगला है, विपरीत लक्षणों के संकेतक जिन्हीं जोड़ों को कहा जाता है? तो 45 में इसका सही जवाब है एलील, सी इसका सही जवाब है। एक भूस्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर वह किस तल भ्रमण पर करता है? तो 46 में इसका सही जवाब है 36,000 किलोमीटर भूमध्य रेखीय तल पर, डी इसका सही जवाब है। यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि हुई है? विसर्ग संधि हुई है। कौन सी संधि? बी इसका सही जवाब है। फिल इन द करेक्ट आर्टिकल, ही इज नॉट ऑनरेबल मैन, तो इसके लिए क्या होगा? एन सी इसका सही जवाब होगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है वो है 8वीं, ए इसका सही जवाब होगा। तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा उनका औसत 39 है, तो सबसे छोटी संख्या है वो क्या होगी? तो सबसे औसत छोटी संख्या है वो होगी डी 26। यदि एक्स की क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x-24 का एक गुणनखंड x-2 है तो k का मान होगा 51 का आंसर होगा 5, a का प्लस का 5। इसके शासनकाल में किस नगर शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब है वो है राजा सामंत सिंह, बी। अगला है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ही ऑर्डर्ड देम टू लुक द डोर, तो इसका सही जवाब है वो है ही सेड टू देम लुक द डोर, बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 2.2 घन डेसीमीटर पीतल को 0.5 सेमी व्यास के बेलनाकार तार में खींचा जाता है तो तार की लंबाई होगी? तो 54 का उत्तर है वो है 112 मीटर। अगला है, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो महाराजा श्री उम्मेद मिल्स है वो कहाँ पर स्थित है? वो है पाली में। यदि 5 जनवरी 2020 को रविवार था तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? तो 56 में होगा डी सोमवार। अगला है, जब किसी द्रव्य को तेजी से घुमाया जाता है तो संघनन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो इस सिद्धांत का उपयोग है अपकेंद्रण में, सी। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेरगढ़, डी। घुड़सवार शब्द में समास है तत्पुरुष, डी। हेबर प्रक्रिया के उपयुक्त तापमान एवं उद्दीपक कितना जरूरी होता है? तो वो है 450 डिग्री सेल्सियस और उद्दीपक है वो आयरन होता है, सी इसका सही जवाब होगा। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में यदि एबी बटा डीई बराबर बीसी बटा ईएफ बराबर सीए बटा एफडी बराबर 3:5 तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है वो क्या होगा? 9:25, सी। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? वृक्षारोपण, गरीबी निवारण, मिट्टी और नमी का संरक्षण करना, जल संसाधनों का विकास, तो इसका सही जवाब है वो है डी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, या तो इसका ए सही होगा या डी, तो इसका है वो आप अपने हिसाब से देख लेना, अभी इसका क्लियर नहीं कर सकते हैं। अगला है, माध्यिका एवं माध्य क्रमश है, माध्यिका एवं माध्य है क्रमश है वो क्या होगा? तो 64 का है वो है 15 और 14, ए। राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ था? तो लोकायुक्त का पद है वो कब सृजित हुआ था? तो हुआ था 1973 में, बी। अगला है, रिकॉन महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है? तो जयपुर में, 66 में, बी।
अगला है, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो 4 बार, 67 में ए। द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन प्रकाशनकर्ता है? तो 68 में है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम डी। अगला है, फिल इन द ब्लैंक विथ वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इट्स टाइम दे ब्लैंक वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। तो इसका सही जवाब है वह स्टार्टेड, सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजता है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनुस्मारक, बी इसका सही जवाब है। अगला है, पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? तो 71 में है, अनुवंशिकी बी। यदि लॉग 2x+1 = 2 तब एक्स का मान होगा? तो एक्स का मान है वो 3 होगा ए। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो 73 में है, वो है डी द्वितीय। चूज देयर करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवासी प्रमाण पत्र ए। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग की किस माह में लगता है? तो कार्तिक में ए। अगला है, संगन से विरल माध्यम में गमन करने वाले प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है तो तब अपवर्तन कोण होता है 90 डिग्री। अगला है, वोलोदिमिर जेलेंस्की राष्ट्रपति है? तो स्वतंत्र का है बी, रूस की। अगला है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है? हरियाणा। अगला है, बैंकिंग उद्योग में कौन सा कवक का इस्तेमाल किया जाता है? बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? तो 79 में है, डी ईस्ट। अगला है, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो 80 का सही जवाब है वो है डी। संदर्भ में ट्रेंड्स आयोग का गठन किया गया था? तो 81 का जवाब है वो है बेंगू किसान आंदोलन सी। अगला प्रश्न है, बीकानेर जिला से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है? तो बीकानेर जिला से कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है बी। अगला प्रश्न है 83, ब्लू पॉटरी जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम बताइए? तो नरोत्तम जांगिड़, अबार अहमद, राजेश गोदा, अनुराधा जांगिड़। तो इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है तो अभी क्लियर नहीं कह सकते क्या होगा। तो अगला प्रश्न देखिए, दृष्टिवेश में तब उत्पन्न होती है जब नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है? तो 84 उत्तर है वह है, कॉर्निया की आकृति गोली नहीं होती है बी, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 85 नंबर, कंप्लीट द सेंटेंस बाई चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द चूज गिवन बिलो। व्हाट्स द टाइम योर वॉच? तो 85 का सही जवाब है वो है बाई बी। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजस्थान के स्थिर 2011-12 कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर क्या थी? तो 86 का सही जवाब है वो है 11.04 बी। अगला है 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन A1, A2, A3 और A4 सेल का योग खोजने के लिए सही है? तो 87 में ए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संख्या है? तो बकरी, तो जनवरी, पृथ्वी, चांदनी, चौक, प्रदीप डी।
अगला है, राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो 89 है राज्य सरकार। ए, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु गुण प्रदर्शित करता है? तो अधातु गुण है वो कौन प्रदर्शित करता है? तो ग्रेसिन, ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, तवांग क्षेत्र स्थित है, तवांग क्षेत्र है वो कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? तो 92 में है, वो है हीरालाल शास्त्री, ए इसका सही जवाब होगा। अगला, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है? तो असलेम्बर, ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? तो 95 का सही जवाब है भूंगल, डी। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है 18 दिसंबर 2022 के अनुसार? तो इसका सही जवाब है वह है ललिता कुमार मंगलम, 96 का डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में एक स्रोत आता है? तो ओ, बी। अगला प्रश्न है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? तो चुस्त से बना पानी का पात्र, डी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की संख्या है? तो 10, 99 में बी। अगला प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1 अप्रैल 1973 डी। अगला प्रश्न है, सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? तो कौन सी विधानसभा में है वो सुमित्रा सिंह विधानसभा अध्यक्ष बनी थी? तो 101 में है, वह है 12वीं, ये सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, शिला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है, किस किले में स्थित है? तो आमेर में, 102 में सी। अगला प्रश्न है, किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में है वो कौन से दिन को मनाया जाता है? तो 103 में है, 31 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, आज के 7 कोडिंग सिस्टम में कितने करेक्टर्स होते हैं? 128 करेक्टर्स, डी। अगला प्रश्न है, द हेडिंग इन ए लेटर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, तो 105 का सही जवाब है वह द राइटर्स एड्रेस एंड द डेट। कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स देखने में मदद करता है? तो इसका सही जवाब है वो है ब्राउजर प्रोग्राम, ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है? प्रत्यय किस कौन से शब्द में है वो बताना है, तो 107 में है सजावट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता है? तो 108 का है गणेश्वर, बी। अगला प्रश्न है, एबोनी वृक्ष वनों में मिलते हैं? तो 109 में है सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। अगला प्रश्न है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है? तो 110 का सही जवाब होगा पादप प्लावक से, सी इसका सही जवाब होगा। राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो BWHW, 111 में एक, ए। अगला है, क्वेश्चन आमतौर पर बच्चों में इस उम्र सीमा में देखा गया है? तो 104 वर्ष, डी इसका सही जवाब है। यदि साइन अल्फा बराबर 3/4, तब कोस
अल्फा का मान है तो 113 में रूट 7/4। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। विधानसभा की महाभियोग प्रस्ताव के तहत राज्यपाल द्वारा, संसद की महाभियोग प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। इसका सही जवाब होगा 114 का बी, सॉरी एक डी, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच की बात है। डी डी इसका सही जवाब होगा। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में का संचय हो जाता है, तो 115 है उसमें बिलुरुबिन ए। अगला प्रश्न है, सिनोकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए, तो 116 में है कुनेन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया का प्रयोग किया गया है, सरोज नाटक देख रही है 117 में बी, वह रात भर नहीं सोया। अगला है, पुनीत पश्चिम की ओर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है फिर बाईं ओर एक बार पुनः बाईं ओर तथा अब दाईं ओर एवं अंत में दाईं ओर चलता है, वह किस दिशा में जा रहा है, तो इसका सही जवाब है वो है डी, दक्षिण। अगला प्रश्न है, दी गई श्रेणी का अगला पद होगा, तो अगला पद है वो W होगा ए। अगला प्रश्न है, CDR प्रकार की सीडी पर डेटा को कर सकते हैं, 120 में डी, कई बार पढ़ा फिर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, डी इसका सही जवाब होगा। निम्न पाई आलेख का अध्ययन कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज्यादा खर्च किया, तो 121 का सही जवाब है वो है 2.5 सी। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड गिवन बिलो रजिस्ट्रेशन, तो 122 का डी, पंजीकरण। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वो है महेंद्रगिरी ए। अगला प्रश्न है, 30 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय 30 सितंबर 2022 को 68वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो 124 में आशा पारेख। अगला प्रश्न है, गंभीरी तथा बेडच नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है, गंभीरी तथा बेडच नदियों के संगम पर है वो कौन सा किला है, चित्तौड़गढ़ किला ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है, तो क्या नहीं है, सही नहीं है, तो 126 का सही जवाब है वो अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, उच्चतम का नहीं उच्च न्यायालय का डी इसका सही जवाब होगा। अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड है, 127 में डी, UAA। अगला प्रश्न है, हुरित राजस्थान का राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो 128 में सी, महाराजा स्वयं मानसिंह। 16129 अनुरूट 16129 का मान है वो क्या होगा, तो 129 में अनुरूट का मान बताना है, तो 129 का सही जवाब है वो 127। सुरभि शब्द युगम के सही अर्थ का चयन कीजिए, तो 130 का सही जवाब है गंध और गाय बी। अगला प्रश्न है, समीकरण निकाय L1x प्लस M1y प्लस N1 बराबर 0, L2x प्लस M2y प्लस N2 बराबर 0 में यदि L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2 नॉट इक्वल N1 बटा N2 तो समीकरण द्वारा प्रदर्शित रेखाएं हैं, 131 में सील, समांतर। एक सौ 32 में देखिए, तारकशी के आभूषण जो किस स्थान के प्रसिद्ध हैं, तो वो है नाथ द्वारा, 132 में सी। अगला है, L प्लस M का अर्थ
एल एम का भाई है, एल माइनस एम का अर्थ एल एम का पुत्र है, एल डिवाइड एम का अर्थ एल एम की पत्नी है, एल गुणा एम का अर्थ एल एम का पिता है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि एल आर टी की माता है? तो 133 का सही जवाब है वह सी। उत्तम श्रेणी का कोयला है, तो उत्तम श्रेणी का कोयला है वह है एंथ्रोसाइट, 134 में सी। निम्नांकित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? तो अक्टूबर से मध्य दिसंबर, 135 में सी। अगला प्रश्न है, बिंदु ए 3-7 तथा बिंदु बी -2-1 को मिलाने वाली रेखा का ढलान है? तो 136 है, उसमें सही उत्तर होगा डी। कार्बन का कौन सा प्रूफ जियोडेसिक गुमद जैसा स्वरूप रखता है? तो 137 का है वो है फुलेरिन ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता संपूर्ण से भी संबंधित है? तो वोगा जी बी। विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा है भगवान शिव, 139 में बी। अगला प्रश्न है, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है? तेते पांव पसारी जति लंबी सोर, 140 में बी। 141 में है, एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकालने वाले पानी का आयतन होगा, 141 में सी, 539 घन सेंटीमीटर सी इसका सही जवाब होगा। 142 स्टार्ट मेन्यू में रत्न कमांड का कार्य है, तो 142 में डी, प्रोग्राम चालू करना। आधारभूत सॉरी राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया है? 143 में ए, अलवर को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है? तो 144 में बी, स्लाइड शो व्यू। प्रथम 50 प्राप्त संख्याओं का योग है, 145 में है वह 1275। 146 में, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है, 146 में सी, मुख्य फोकस से। नागौर जिले की कौन सी झील स्थित नहीं है? तो नागौर जिले में रेवासा नहीं, ये सीकर में है बी। रिंकू 840 रुपये क्रय मूल्य वाले टेबल को 10% के लाभ से सोनू को बेचता है, और सोनू से रिंकू रोकी को 5% की हानि पर बेचता है, तो टेबल का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? 148 है, उसका सही जवाब है वह है सी। प्रभा अत्रे पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस पुरस्कार से संबंधित है? भारतीय शास्त्रीय संगीत बी। अगला है, 30 अक्टूबर 2022 को राजस्थान गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया, यह किस नदी पर बना हुआ है? तो यह बना हुआ है मत्स्य नदी पे डी इसका सही जवाब होगा। ये थे आपके सीईटी की पहली पारी का पेपर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आने वाली पारी के लिए इसे देखकर अपनी तैयारी को रख लीजिए कि हमारी तैयारी कैसी है। तो अब आइए अगली पारी का सॉल्यूशन देखें थोड़ी देर बाद। तो थैंक यू, धन्यवाद।